एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो आज हम बात करेंगे पानी के बारे में, वाटर। 75-80% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्लूइड। हमारी बॉडी का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो बिना पानी के परफॉर्म हो सके। हमारा सारा जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो पानी के जरिए परफॉर्म होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेलुलर फंक्शन होते हैं, तो सेल्स टिश्यू के लेवल पे, ऑर्गन्स के लेवल पे, हमारे जितने भी सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो सब पानी पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट हमारी जो इम्यूनिटी है वो डिपेंड करती है वाटर पे। स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए। सो इस वीडियो में ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसा पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। सो सबसे पहला सवाल है, हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक ऑन अ डेली बेसिस। सो अगर आप कम पानी पीते हैं तब भी वो आपके लिए हानिकारक होगा, आपकी हेल्थ के लिए, बिकॉज आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप एक्सेस में भी पीते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इफ यू ड्रिंक वाटर इन एक्सेस, इट कैन पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योर किडनी। वो आपकी ब्लड की वॉल्यूम को भी इफेक्ट करता है, विच कैन लीड टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रेशर ऑन योर ब्रेन एंड इफेक्ट योर सर्कुलेशन। तो अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सो यू शुड ऑलवेज ड्रिंक वॉटर वेन यू आर थर्स्टी, यानी जब आपको प्यास लगे तो आप पानी पिए। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि आजकल हम एसी में रहते हैं तो हम उन सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाते जब हमारी बॉडी को पानी चाहिए, क्योंकि हम उस टेम्परेचर में नहीं है जहां हमारी बॉडी खुद को ये महसूस करा सके। ऐसे में यू मस्ट लुक फॉर दोज स्मॉल सिग्नल्स, जैसे कि अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, इफ यू आर फीलिंग डिजी थोड़ा थोड़ा, अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, अगर आपके यूरिन जो है वो बहुत डार्क है, ये साइंस है दैट यू आर थर्स्टी। अगर आपको भूख लगी है, especially in summers, instead of reaching out to a snack, go and have a glass of water. Maybe आपको प्यास लगी है and you're not hungry at all. और अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जितना भी आपका बॉडी वेट है उसका 35 ml पर kg ऑफ योर बॉडी वेट आपको पानी पीना चाहिए, यानी आपको उतना फ्लूइड चाहिए। फ्लूइड आप फ्रूट से भी लेते हैं वॉटर, आपके फूड के अंदर भी ऑक्सीडाइजेशन से वॉटर आता है। सो उनका टोटेलिटी अगर मैं बात करूं तो उतना आपको ऑन अ डेली बेसिस फ्लूइड चाहिए। हालांकि इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और रीजन जहां पर आप हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो डाउट होता है और जो मिस्टेक लोग कमेंट करते हैं वॉटर से रिलेटेड, वो है हाउ टू ड्रिंक वॉटर। तो बेस्ट वे टू ड्रिंक वॉटर इज टू सिट एंड हैव योर वॉटर स्लोली। तो जब आप धीरे धीरे पानी पीते हैं बैठ के, तो आपकी मुंह के अंदर का जो सलाइवा है, जो थूक है, वो उसमें मिक्स होती है। जब आप इस तरह का पानी पीते हैं, नॉट ओनली इट हेल्प्स यू इन डाइजेशन, ये आपकी बॉडी के अंदर उन एंजाइम्स को भी पहुंचाता है जो बहुत अलग अलग तरह के फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी पानी पीने की आदत है तो स्टार्टिंग में यूज अ बैम्बू स्ट्रॉ और उसको धीरे धीरे करके आप उस हैबिट को डेवलप कीजिए धीरे पानी पीने। तो विच वॉटर इज बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग, क्या हमें टैप से डायरेक्ट पानी पीना चाहिए, क्या उबला हुआ पानी पीना चाहिए, फिल्टर वाटर पीना चाहिए, या फिर आरओ का वाटर यानी प्योरिफाइड वाटर हमें लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या आपको पता है कि जो आपकी घरों में पानी आता है, जो टैप के अंदर पानी आता है, वो लेक से, रिवर से, अंडरग्राउंड पानी हमारे घर में आता है। इट इज ओवरलोडेड विद मिनरल्स एंड हैवी मेटल्स, उसके अंदर ट्रेस केमिकल्स होते हैं। हमारी जो जमीन है उसके अंदर आजकल बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस हो गए हैं। नाउ ये वाटर ट्रीट किया जाता है म्युनिसिपल स्टोरेज फैसिलिटीज में विद डिफरेंट केमिकल्स, ताकि ये साफ दिखे और ड्रिंकेबल बन जाए। यस, द वाटर डस लुक क्लीन जब ये प्रोसेस हो जाता है, बट इट इज स्टिल फुल ऑफ हैवी मेटल्स, इसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस भी होते हैं। उसके बाद कई लोग पानी उबाल कर पीते हैं, यानी जो उबला हुआ पानी होता है बेसिकली, यस थोड़े से पैथोजेंस उससे मर जाते हैं, बैक्टीरिया उससे मर जाते हैं, लेकिन हैवी मेटल्स जो होते हैं वो तब भी उसके अंदर से खत्म नहीं होते हैं। और जैसे ही वो पानी ठंडा हो जाता है, वो बैक्टीरिया उसके अंदर वापस मल्टीप्लाई होने लगते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड रिलाइंग ऑन यूजिंग एनी अदर अनसेफ मेथड, ट्राई एन इजियर मेथड, वो है ड्रिंक वाटर जो प्योर हुआ है थ्रू द मेथड ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ आरओ जो होता है यानी रिवर्स ऑस्मोसिस,
ये एक वाइडली एक्सेप्टेड प्योरिफिकेशन सॉल्यूशन है. आरओ सिस्टम जो होता है, इट सिंपली टेक्स वाटर फ्रॉम टैप एंड इट फोर्सेस इट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स. दिस मेम्ब्रेन्स ओनली अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू. कोई भी हैवी मेटल्स, कोई भी और सब्सटेंस को ये बाहर नहीं जाने देता है. सो एज अ रिजल्ट द वाटर दैट यू गेट इज 99% सेफ टू ड्रिंक. आरओ सिस्टम घरों के लिए ही नहीं बल्कि लार्ज इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो भी आरओ वाटर यानी आरओ प्योरिफाइड वाटर यूज करते हैं फॉर कंजप्शन एंड फॉर प्रोडक्शन. और ये इंडस्ट्रीज, कंपनीज, कम्युनिटीज जो है वो ड्यूपॉन्ट वाटर सॉल्यूशंस को यूज करते हैं, द वर्ल्ड लीडर इन सेपरेशन एंड वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज. फॉर मोर देन 7 decades, ड्यूपॉन्ट वाटर सॉल्यूशन हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑन इनोवेशन, researching and providing industry's experience and expertise on reverse osmosis. The RO membranes TapTech Plus by DuPont Water Solution are market leaders. In fact, aapke ghar mein agar koi leading water purifier hai, koi known water purifier hai, to uska RO membranes jo hai, wo DuPont Water Solutions ka hi hoga. Because technicians jo hai worldwide wo recommend karte hain और इंस्टॉल करते हैं, प्रेफर करना टैपटेक प्लस के आरओ मेम्ब्रेन्स को. सो हाउ डू यू चेक दिस? नेक्स्ट टाइम जब आपके घर में कोई वाटर प्योरिफायर की सर्विस करने के लिए आए, यू शुड वंस एवरी ईयर ऑप्ट फॉर टैपटेक प्लस बाय ड्यूपॉन्ट वाटर सॉल्यूशन. इसके ऊपर आपको ये एक स्कैन करने के लिए कोड मिलेगा. डोंट फॉरगेट टू स्कैन इट. आप इससे इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे फेक ट्यूब्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं. द बेस्ट वे टू फाइंड आउट कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो जेन्युइन है, वो रियल है, इज टू स्कैन दिस कोड. आप घर पे भी किसी प्राइवेट टेक्नीशियंस को बुला सकते हैं एंड मेक श्योर टू आस्क फॉर टैपटेक प्लस फॉर योर वाटर प्योरिफायर ओनली. मेक अ कॉन्शियस चॉइस फॉर बेटर वाटर क्वालिटी फॉर योर फैमिली एंड होम टूडे. ना सिर्फ इससे वाटर की क्वालिटी इंप्रूव होती है, कई बार पानी के अंदर अजीब सी ऑडर आती है, स्मेल आती है, वो भी इससे पूरी तरह से हट जाती है. Give your family the surety of purified water with DuPont Water Solutions. Next, लोगों को डाउट होता है कि हॉट वाटर पिए या कोल्ड वाटर पिए, ल्यूकवॉर्म वाटर पिए. सो ऑलवेज हैव वाटर एट रूम टेम्परेचर. ज्यादा गर्म पानी पिएंगे तो ऑब्वियसली वो आपके थ्रोट के लिए अच्छा नहीं है, आपका मुंह से जल सकता है. ठंडा पानी पिएंगे, कई लोग बोलते हैं कि आइसी कोल्ड वाटर पीने से ज्यादा कैलोरीज हम बर्न कर सकते हैं. सो लेट मी टेल यू, अगर आप एक ग्लास पानी पीते हैं और आपकी बॉडी को आइसी कोल्ड वाटर, आपकी बॉडी को उसे आपकी बॉडी के टेम्परेचर तक लाने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें सिर्फ वो 6 से 7 कैलोरी लगाता है. सो जस्ट इमेजिन कि आप 8 या 9 ग्लास इतना ठंडा पानी पी के रिस्क लेंगे कि आपका गला खराब हो जाए या आपको सर्दी लग जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, और उसमें सिर्फ आप कितनी 60 कैलोरी 70 कैलोरी बर्न कर देंगे. आप एक चॉकलेट कम खा लीजिए, उतनी कैलोरी आप वैसे ही बर्न कर लेंगे, या फिर आप 10 मिनट की वर्कआउट कर लीजिए, उतनी कैलोरीज आप उसमें बर्न कर लेंगे. सो डोंट टेक दिस रिस्क कि आप आइसी कोल्ड वाटर पियेंगे तो आप थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकेंगे. नेक्स्ट, लोगों को जो डाउट होता है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ड्रिंक वाटर? सो बेस्ट टाइम जो होता है, देयर इज नो सच बेस्ट टाइम, लेकिन स्टिल देयर आर सम टाइम जहां पर अगर आप पानी पियेंगे तो आपके लिए काफी हेल्दी रहेगा. लाइक उठने के बाद तुरंत आपको पानी पीना चाहिए, आपका सिस्टम उससे क्लीन होता है, आपके लिए वैसे भी बहुत हेल्दी रहेगा. उसके बाद नहाने के बाद आपको पानी पीना चाहिए, ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करता है. नहाने से पहले नहीं पीना चाहिए. आपको खाना खाने के बाद 30-40 मिनट्स के बाद अगर आप पानी पियेंगे तो वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा. सोने से पहले भी अगर आप थोड़ा सा पानी लेंगे, ज्यादा नहीं, अदरवाइज बाथरूम ब्रेक आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, सो उससे भी पहले आप थोड़ा पानी ले सकते हैं, वो भी आपको रिपेयर करने में बॉडी को हेल्प करेगा. साथ ही इफ यू डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर आप कोई हार्ड कोर कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सिप्स में पानी लेते रहे ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे. आपको अगर बहुत ज्यादा डिजी फील हो रहा है दिन में कभी भी, तो आप अपने पानी के अंदर थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं जिसमें ट्रेस मिनरल्स होते हैं. आप उसके अंदर थोड़ा सा हनी या फिर कोई और नेचुरल स्वीटनर ऐड कर सकते हैं तो आपके पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनने की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी एंड देन यू विल नॉट फील डिजीनेस और टायर्डनेस. सो यू कैन मेक योर वाटर स्लाइटली फ्लेवरफुल विद दीज. आप
अपने पानी को डिटॉक्स वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट दोज आर द इन्फ्यूज वाटर और द डिटॉक्स वाटर जो आजकल बहुत पॉपुलर है, वो भी आपको थोड़े से कैलोरी बर्न करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, आपकी बॉडी को के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस करने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज अल्कलाइन वाटर. सो व्हाट इज अल्कलाइन वाटर? अल्कलाइन वाटर इज नॉट इफेक्टिव. बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में कि आपकी बॉडी के लिए पीएच लेवल मेंटेन करने में हेल्प करेगा. अल्कलाइन वाटर जो है इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी. नेक्स्ट इज रॉन्ग वाटर कॉम्बिनेशन. यू शुड नॉट कम्बाइन वाटर विद फ्यू थिंग्स लाइक मील के साथ उसे कम्बाइन ना करें. ऑयली फूड के साथ वाटर को कंज्यूम करना, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके साथ सही नहीं है, जैसे जितने भी मेलन्स होते हैं. वाटर बिफोर शावर इज नॉट अ गुड आइडिया. इसके अलावा अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स. सेव एनवायरमेंट, सेव वाटर, बिकॉज वाटर इज लाइफ. ऑल्सो कैरी योर वाटर बॉटल व्हेन यू आर गोइंग समवेयर आउट, वो वाटर बॉटल लेकिन प्लास्टिक की ना हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ, वेन, विच वाटर टू ड्रिंक टू स्टे हेल्दी. साथ ही ड्यूपॉन्ट के वाटर सोल्यूशन यानी टैपटेक प्लस के आर ओ मेम्ब्रेन्स को परचेज करने के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट लिंक एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड आई विल बी बैक वेरी सून. बाय बाय.